नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुड लक टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। जब हम किसी को गिफ्ट्स देते हैं तो एक तरह से हम अपनी भावनाएं, अपना प्यार दिखाते हैं, लेकिन शायद आप ये नहीं जानते कि उपहार देते वक्त कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। तो कौन सा उपहार आपके रिश्ते बना देगा, ये हम आपको बताएंगे। उपहारों को देने या लेने में ज्योतिष का क्या महत्व होता है, ये भी आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुडलक मंत्र की। अगर आप नशे की आदत से परेशान हैं, नशे के चक्कर में पड़ गए हैं और चाहते हैं कि आप नशा छोड़ दें, इससे निकल जाएं, तो सलाह लेकर के एक एमिथिस्ट को कहते हैं हिंदी में जमुनिया। एक एमिथिस्ट नाम का रत्न चांदी की अंगूठी में दाहिने या बाएं हाथ की मध्यमा उंगली में शनिवार को अगर आप एमिथिस्ट धारण करते हैं तो इससे जो नशे की टेंडेंसी है आपकी वो काफी हद तक समाप्त हो जाएगी। चलिए, इस एक मंत्र से आप भी अपना लक बढ़ा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं 31 जनवरी का पंचांग क्या कहता है। दिनांक 31 जनवरी 2022, दिन सोमवार, तिथि है माघ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, दोपहर के 2:18 तक। नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, रात के 9:57 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 7:30 से लगभग 9 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी मिश्री खाकर, दर्पण में चेहरा देखकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किलों से बचे रहेंगे। तो पंडित जी ने आपको गुडलक मंत्र भी दे दिया है और साथ ही साथ यहाँ पर पंचांग भी आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब बात आज के विषय की हम कर लेते हैं, जहाँ हम आपको उपहारों के बारे में आज बताने वाले हैं, यानी कि गिफ्ट्स। उपहारों के देने या लेने में ज्योतिष का क्या महत्व होता है, चलिए सबसे पहले यही समझ लेते हैं पंडित जी से। जैसा कि रेखा ने शुरू में ही कहा कि उपहारों का संबंध होता है आपकी भावनाओं से, आपके प्रेम से, आपके रिश्ते बनाने से। ज्योतिष का नजरिया क्या है इस बारे में, देखिए, उपहार जो है वो किसी व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए दिया जाता है। कभी कभी किसी व्यक्ति का सहयोग करने के लिए भी उपहार दिया जाता है, लेकिन याद रखिए, उपहार देने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप गलत उपहार देते हैं तो इससे आपके संबंध, आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं। और अगर आप सोच समझकर सही उपहार देते हैं तो इससे रिश्ते मजबूत होते हैं और स्वयं को भी लाभ होता है। उपहारों के बारे में एक बात और जान लीजिए कि उपहारों की जो पैकिंग होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है। खास तौर से पैकिंग पेपर का रंग क्या है, किस तरह के रंग से ढक करके आप उपहार दे रहे हैं, उसको भी देखना समझना थोड़ा जरूरी होता है। तो क्या है उपहारों का महत्व, किस तरीके से आपको उपहार देने चाहिए, ये पंडित जी ने आपको समझाया। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों की हम बात कर लेते हैं और देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की स्थितियां लगातार बेहतर हो रही हैं और करियर में सफलता मिलेगी। संतान पक्ष की उन्नति दिखाई दे रही है और इस समय धन आपको आसानी से प्राप्त होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
वृषभ राशि, करियर की मुश्किलें हल होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, परिवार में व्यस्तता बनी रहेगी और आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, चोट चपेट से बचाव करें, वाहन सावधानी से चलाएं और किसी भी तरीके के वाद विवाद से बचें। अगर आप मुश्किलों से बचना चाहते हैं तो एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइएगा, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि का कैसा बीतेगा दिन पंडित जी ने आपको बताया। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब गिफ्ट्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि उपहार आप हम सभी लेते भी हैं, देते भी हैं, तो इस दौरान अगर आप किसी को गिफ्ट दे रहे हैं तो कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए। कौन सी वो सावधानियां हैं, आइए जान लेते हैं पंडित जी से। बिल्कुल, देखिए उपहार में आप वो चीजें देने का प्रयास करिए जिन चीजों का अगला व्यक्ति इस्तेमाल करता हो। उपहार में नियमित रूप से प्रयोग की जाने वाली वस्तु अगर आप देते हैं तो ये शुभ होता है। सजावटी चीजें, डेकोरेटिव आइटम्स कम से कम देना चाहिए। श्रृंगार की सामग्री और सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, उसी को उपहार में दें जिससे आपके रिश्ते बड़े करीबी हों। और एक व्यक्ति का दिया हुआ उपहार दूसरे को उपहार में मत दीजिए। उपहारों का जो ट्रांसफर इधर से उधर करते हैं उससे आपकी किस्मत भी, आपकी भावनाएं भी ट्रांसफर होती हैं, इसका ध्यान रखिएगा। प्रेम के मामले में, लव अफेयर्स के मामले में कांच की वस्तुएं उपहार में मत दें। ताजमहल की जो आकृति होती है ये भी उपहार में बिल्कुल न दें। और जहां तक हो सके देवी देवताओं की मूर्तियां भी उपहार में मत दें। देवी देवता कोई वस्तु नहीं है, आपकी श्रद्धा का प्रतीक है, आप वैसे खरीद लीजिए, वैसे खरीद के दे दीजिए, लेकिन उपहार की तरह बाकायदा पैक करके गिफ्ट की तरह देना ये किसी भी तरीके से उचित नहीं होगा। तो पंडित जी ने आपको बताया कि अगर आप उपहार किसी को दे रहे हैं या ले रहे हैं किस तरीके की सावधानी इस दौरान आपको बरतनी चाहिए। उम्मीद करते हैं कि इन बातों को आप भी ध्यान में रखेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों पर एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं और देखते हैं अब कर्क, सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल। कर्क राशि, अगर आप अविवाहित हैं, शादी नहीं हुई है आपकी, तो ये समय आपके विवाह तय होने का समय दिख रहा है। परिवार से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं हैं वो समस्याएं इस समय आपकी हल होंगी और इस समय किसी मित्र की सहायता से लाभ होता दिख रहा है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। सिंह राशि, शिक्षा की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, कारोबार में आपके लिए लाभ के योग दिखाई दे रहे हैं, इस समय आप काफी ज्यादा व्यस्त रहेंगे ये संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग होगा आपका क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। कन्या राशि, करियर में आपके लिए लाभ की संभावनाएं हैं, कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा, स्थान परिवर्तन की संभावना भी आपके लिए दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%,
यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो कर्क सिंह और कन्या राशि का भाग्यफल पंडित जी ने आपको बताया, साथ ही कुछ ही देर में आपके सवालों के भी जवाब पंडित जी देंगे। तो आपको अगर कोई सवाल पूछने हैं पंडित जी से, आप भी हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही है। आगे बढ़ते हुए अगला सवाल ले लेते हैं पंडित जी से। उपहारों के बारे में आज हम बात कर रहे हैं पंडित जी, तो किस तरीके के उद्देश्य के लिए कौन सा उपहार या फिर कैसा उपहार हमको देना चाहिए? जी देखिए, किसी वरिष्ठ व्यक्ति को जो आपसे बड़ा हो, विद्वान हो, बुद्धिमान हो या आपके कोई गुरुजन हो, तो उनको कलम का, पेन का या पुस्तक का उपहार देना चाहिए। प्रेम के मामले में सुंदर कपड़ों का उपहार या फूल, फ्लावर्स का उपहार देना बहुत अच्छा होगा। विवाह के अवसर पर अगर उपहार देना है तो वस्त्र दीजिए, घर के जरूरत की चीजें दीजिए और विवाह के अवसर पर जो भी उपहार दीजिए उसमें मिठाई जरूर दीजिए। संतान प्राप्ति के अवसर पर अगर किसी को उपहार देना है तो चांदी की कोई चीज, चाहे वो छोटी सी ही क्यों ना हो, चांदी की चूड़ी हो, चांदी की पिन हो, जो भी चीज है, चांदी की कोई छोटी ही चीज हो लेकिन वो जरूर देनी चाहिए। पति पत्नी के मामले में अगर आपको पति पत्नी दोनों को उपहार देना है तो घड़ियों का उपहार देना सर्वोत्तम रहता है। मित्रता के मामले में, दोस्ती के मामले में चॉकलेट का उपहार देना या किसी मीठी चीज का उपहार देना या संगीत की कोई चीज का उपहार देना अच्छा होता है। टूटे हुए रिश्तों को जोड़ने के लिए सुगंधित मोमबत्ती जो आती है, परफ्यूम्ड कैंडल्स जो आती हैं वो देना चाहिए, घड़ी देनी चाहिए, लेकिन रिश्तों को जोड़ने के लिए परफ्यूम उपहार में मत दीजिएगा। सामान्यतः परफ्यूम वैसे तो दे सकते हैं लेकिन नॉर्मली एज अ गिफ्ट परफ्यूम देना रिश्तों को बुरी तरह से खराब करता है, इसका ध्यान रखिए। तो अलग अलग उद्देश्य के लिए किस तरीके से आपको अलग अलग गिफ्ट चुनने हैं ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। तो आगे से अगर आप गिफ्ट लेने जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान आप जरूर रखें। आगे बढ़ते हैं और अब देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, स्वास्थ्य का ध्यान आपको इस समय बनाए रखना है, सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। इस समय आपके महत्वपूर्ण काम भी रुक सकते हैं, इसलिए आप ऐसा करिए, एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाइए, उससे मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। वृश्चिक राशि, धन की स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी, नौकरी में आपके लिए परिवर्तन के योग बने हुए हैं। इस समय यात्रा में सावधानी बनाए रखिएगा, बेहतर होगा यात्रा ना करें लेकिन अगर करें तो सावधान रहें। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, कोई बड़ी सफलता इस समय आपको मिल सकती है, दौड़ भाग हालांकि बढ़ेगी लेकिन फायदे जरूर होंगे, आर्थिक फायदा, पैसों रुपयों का लाभ इस समय हो सकता है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी काफी अच्छा भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो मकर, कुंभ और मीन राशि के जातकों का कैसा बीतेगा दिन, अब से कुछ ही देर में आपको बताएंगे और साथ ही देंगे एक महा उपाय, लेकिन उससे पहले वक्त हो चुका है आप लोगों के सवाल का। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है और उसके लिए क्या समाधान पंडित जी दे रहे हैं। वैद्यनाथ जी ने हमें प्रश्न लिखा है, रांची से लिखते हैं ये। जन्म की तारीख है 21 जुलाई 1968,
1968, जन्म का समय है दोपहर में लगभग 2 बजे और जन्म स्थान है रांची। वैद्यनाथ जी कह रहे हैं कि नया व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, पुराना व्यापार ठीक चल रहा है, तो क्या नया व्यवसाय करने का ये सही समय है? इस समय नया व्यवसाय कर सकते हैं, पहली बात। और दूसरी बात, संपत्ति का निर्माण करना चाहते हैं तो उसका उपयुक्त समय क्या होगा? वैद्यनाथ जी, आप जो व्यवसाय को बढ़ाना चाहते हैं, एक्सटेंड करना चाहते हैं, अप्रैल 2022 के बाद व्यवसाय को बढ़ाने की चेष्टा करिएगा तो बेहतर होगा। और वैसे भी व्यवसाय आपके लिए अच्छा है, कोई खास मुश्किल नहीं है। संपत्ति का निर्माण कार्य आप फरवरी के महीने से शुरू कर सकते हैं और संपत्ति का निर्माण होने में लगभग 6-8 महीने का समय लगेगा, क्योंकि स्थान परिवर्तन करके आप जो नई जगह पर जाने की योजना बना रहे हैं वो संभावना आपकी 2023 में जून के बाद दिख रही है। संपत्ति का निर्माण आप फरवरी से शुरू कर सकते हैं। समस्या क्या है? स्वास्थ्य आपका बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है इस साल, इसलिए आप एक नियम बना लें, नियमित रूप से सुबह और शाम दोनों समय नमः शिवाय का 108 बार जप करें, आपको लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल करना चाहते हैं पंडित जी से, कोई समस्या है जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा है, आप हमें लिंक भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर इस वक्त फ्लैश हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हुए अब आखिरी 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, मानसिक चिंताएं, मानसिक तनाव, मानसिक समस्याएं, ये सब समाप्त होने वाली हैं। करियर में आपके लिए सफलता के योग बन रहे हैं और इस समय आर्थिक लाभ की बेहतर संभावना भी दिख रही है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा सिल्वर, यानी चांदी जैसा रंग। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%, यानी सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कुंभ राशि, देखिए बेवजह की चिंता मत करिए, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। खान पान में सावधानी रखिए, क्योंकि डाइजेशन को लेकर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। एक लोटा जल भगवान शिव को चढ़ाएंगे तो आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा है, भाग्य थोड़ा कमजोर है। मीन राशि, करियर के मामलों में आपको सफलता मिलेगी, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी और इस समय धन लाभ के सुंदर योग भी आपके लिए बने हुए हैं। शुभ रंग होगा सुनहरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ दिखाई दे रहा है। तो चलिए, सभी 12 राशियों की बात हमने कर ली है, किस तरीके से भाग्य आपका साथ निभाएगा ये आपने जाना। आगे बढ़ते हुए अब देख लेते हैं 31 जनवरी को जिन लोगों का जन्मदिन आता है उनके लिए साल कैसा रहेगा। पंडित जी, जिन लोगों का जन्मदिन 31 जनवरी को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन के हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की स्थिति में सुधार होता दिख रहा है, करियर में थोड़ा बदलाव होगा और बदलाव के बाद आपको लाभ भी होगा। इस साल में स्वास्थ्य आपका कुल मिला जुलाकर ठीक दिख रहा है, लेकिन अगर आप अविवाहित हैं या संतान की कामना रखते हैं तो विवाह और संतान के मामलों में अभी इस साल विलंब दिखाई दे रहा है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का जप करें, ओम रांग राहवे नमः, तो वर्ष आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं महा उपाय। तो चलिए देखते हैं आज कौन सा महा उपाय है और किस तरीके से आप भी उससे लाभ उठा सकते हैं। पंडित जी, अगर आप नौकरी करते हैं और बार बार उच्चाधिकारियों के साथ, अपने बॉसेस के साथ आपके विवाद हो जाते हैं, तालमेल नहीं बन पाता है, क्या करेंगे?
रोज सवेरे हनुमान जी को गुड़ का भोग लगाइए। थोड़ा सा गुड़ हनुमान जी को समर्पित करिए। घर से निकलते समय वही गुड़ खा करके निकलिएगा। ऐसा रोज करना शुरू करिए। आपके संबंध आपके उच्चाधिकारी के साथ, आपके बॉस के साथ बेहतर होने शुरू हो जाएंगे। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी शुक्रिया आपका, और साथ ही साथ उपहार के बारे में किस तरीके के उपहार हमको देने चाहिए और ढेरों उपाय इससे जुड़े हुए आपने बताए हमारे दर्शकों को, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे।